साथ के साथ गवर्नमेंट ने OTS पे भी बात करने की कोशिश की है, उसके अलावा ट्रैकिंग मैकेनिज्म की भी बात की कि ऑनलाइन ट्रैकिंग की, तो मुझे लग रहा है कि ये तो अच्छा बेसिकली मतलब... एक कंट्री में सर एक फेयर माहौल और एक कहीं ना कहीं अगर आप देखी जाए तो हर चीज़ को एक डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कहीं ना कहीं सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर IT में आता है तो इसकी ट्रैकिंग और एक जो सुलझे हुए लोग हैं, जो आम आदमी है, जो एक रिटेल निवेशक है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बहुत अच्छा। माइक्रो फाइनेंस और NBFCs को भी काफी पैसा दिया गया, लगभग 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, मुझे लगता है कि जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी उसको भी इशू एड्रेस को इशू किया गया। साथ के साथ उन्होंने एक अच्छी काम ये भी किया है कि NBFC को KYC के लिए आधार से लिंक कर दिया विथ गाइडलाइन, लेकिन एक अच्छा है, इससे मुझे लगता है कि NBFC की जो कॉस्टिंग है काफी कम हो जाएगी। साथ के साथ उन्होंने NBFC के लिए बहुत तरह के और भी स्पेशल पैकेजेस लाने के। अगर आप ग्रोथ का जो मेन स्लोडाउन का रीजन देखिएगा, कहीं ना कहीं NBFC की वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार लोन में और बाइक लोन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोन होते हैं कंज्यूमेबल फाइनेंस, जैसे सपोज हमने टीवी लेनी है, फ्रिज लेनी, कैमरा लेना है, तो उसमें उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। और जब वैसी कंपनियों में जब स्लोडाउन आता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक साइक्लिक असर होता है, तो उन सबको थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा। अब हम GST पे आते हैं। GST पे भी गवर्नमेंट ने कल काफी रिफॉर्म किया है, तो मैं उसके पॉइंट को सर थोड़ा GST के बारे में आप अच्छे से हमारे दर्शकों को बताएं कि GST का आने वाले टाइम पे स्पेशली जो हमारी कंपनी वाले क्लाइंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनको अब क्या क्या फायदा इमीडिएट मिलने वाला। देखिए, एक तो रिफंड का बहुत अच्छा हो गया। रिफंड के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी पेंडिंग रिफंड थे उनको 30 डेज में सेटल करने की कोशिश की जाएगी, और जो फ्यूचर उनको 60 डेज का, तो मुझे लगता है कि अच्छा टाइमलाइन दिया गया। इससे क्या है कि जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है रिफंड में, काफ़ी पैसा जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी पैसे फंसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो लिक्विडिटी उनसे सॉर्ट आउट भी होगी और ये बहुत अच्छी राहत है। साथ के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हम GST को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ों को सिंप्लीफाई और प्रोसेस ओरिएंटेड करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कल एक अच्छी अनाउंसमेंट MSME को लेके कि हम एक नए डिफिनेशन के साथ आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि MSME को लेके मल्टीपल डिफिनेशंस हैं, बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो आज की डेट में मैं ये कहूँ कि कौन सी कंपनी MSME है, ये अपने आप में चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब आप रजिस्ट्रेशन में जाते हैं ना, तब आपको एक्चुअल चैलेंज पता चलता है। ऐसे तो अभी हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं, आप रजिस्ट्रेशन में जाइए तो आपको इसकी जो गाइडलाइंस है वो आपको समझ में। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मार्केट की अब जरा बात करें, एक तो कल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट के एक्सेस के लिए GDR और ADR के लिए देंगे। मुझे लगता है कि इससे थोड़ी लिक्विडिटी पे कोई असर आएगी? नहीं, इससे सर क्या होगा कि लिक्विडिटी पे असर डेफिनेटली आएगी। थोड़ा बहुत जो हम लोगों की बड़ी कंपनियाँ जैसे इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, विप्रो और इन्फोसिस और ये सब जो कंपनियाँ हैं, जो बेसिकली टॉप 10-20 जो कंपनियाँ इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से, उनके जो ADR बेसिकली जो दूसरे मार्केट में के इन्वेस्टर्स के लिए जो हैं, जहां पे उनकी ट्रेडिंग होती है, जिसके थ्रू उनको अगर थोड़ा एडिशनल सपोर्ट मिलेगा तो बेसिकली वो वहां से फंड रेस कर सकते हैं। तो वहां से फंड रेस करके अल्टीमेटली लिक्विडिटी अपने ही कंट्री में। और कल एक और चीज भी की कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको आधार बेस करना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आई थिंक इससे थोड़ा सा आसान होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, आज कल गवर्नमेंट ने अपना जो क्लेम था, जो आधार बेसिकली जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, दोस्तों आप हैं, हम हैं, सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सभी को सर बहुत फायदा होगा। कारण क्या है कि हम लोग जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन था, बहुत सारा कंप्लायंस था, बार बार आपको फॉर्म देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने कहा आधार कार्ड ओनली, आधार बाय यूजिंग योर आधार कार्ड, कस्टमर की परमिशन लेनी जरूरी है। वो तो ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ। इसके अलावा कल गवर्नमेंट ने KYC में एक चीज और कहा। हाँ। कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और FPIs हैं, फॉरेन उनको भी इन्वेस्टर्स, उनके भी सिंप्लीफाई, उन्होंने ये नहीं बताया क्या होगा, बट उन्होंने कहा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ईज अप द सिचुएशन, काम डाउन द सेंटीमेंट जो कि खराब हो गए थे। कहीं ना कहीं कल का जो हमारा मिनी बजट है, मिनी बजट है, सही बात है, वो मार्केट के लिए डेफिनेटली, मैं ऐसे कहूंगा, ऐसे एंटीडोट, अगर किसी को पेन किलर चाहिए होता तो एंटीडोट देते हैं, तो एंटीडोट का काम करेगा। कल एंटीडोट दिया गया, मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी को जो जरूरी थी, काफी जरूरत थी, अभी बहुत जरूरत थी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव। बट अभी भी मैं कहूंगा काफी कुछ किया जाना है, बट गवर्नमेंट, आई एम हैप्पी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज अगेन टोल्ड पीपल कि हम दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एंड वी अगेन रीएड्रेस द इशू। और एक चीज और गवर्नमेंट ने कल कहा कि जो डिले पेमेंट है गवर्नमेंट की, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना कि लोग गवर्नमेंट से क्यों खुश नहीं रहते,
क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, जो बेसिकली जिनकी फंड की बड़े पेमेंट्स कैबिनेट के लेवल पे अप्रूवल के पेंडिंग होती है, वो कई सालों तक पेमेंट फंसी रहती है। वो भी हमारा भी छोटा सा पेमेंट गवर्नमेंट का फंसा हुआ है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आपकी सपोज अगेन इट इज लाइक अगेन लिक्विडिटी टू, अगर वो पैसा आता है तो फिर आप उसको कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उसको अपनी कंपनी एक्सपेंशन में यूज करते हो, तो वो भी पैसा अगर गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है तो एक तरह की बहुत निगेटिव सेंटिमेंट आती है। कल ऑटो सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट ने स्पेशल पीपीटी में एक पेज भी रखा था, उस पर भी बात कर ले हम थोड़ी सी। कल BS4 को उन्होंने क्या कहा कि जो BS4 31 मार्च 2020 तक करते जाएंगे वो वैलिड होंगे जब तक उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, उसको लेके भी बड़ा मार्केट में पैनिक था। मुझे लगता है कि ये भी एक डिसीजन काफी अच्छा रहा। एक और इसमें अच्छी चीज डिसीजन कल गवर्नमेंट ने ली कि जो एक मार्केट में आतंक मच गया था ना कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल बैन हो जाएंगे, कल कंफ्यूजन दूर कर दिया, अच्छे से दूर कर दिया, बैन नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जी, उसको पैनिक होने की जरूरत। वो जो एक सर 15,000 का एक जो गवर्नमेंट वन टाइम का जो रजिस्ट्रेशन खरीद करते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं वो जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन को डिफर कर दिया, उससे भी थोड़ी सी गाड़ी चीप हो गई। साथ के साथ गवर्नमेंट ने एक और चीज कहा कि अगर आप अभी टिल 31 मार्च 2020 तक कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल, उस पे एक्स्ट्रा 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है, ये उसी के लिए जो बिजनेस पर्पस में लिया जा रहा है, यानी कि मैं एक कंपनी चलाता हूं और कंपनी के लिए मैं ले रहा हूं तो मुझे बेनिफिट है, इंडिविजुअल को ये बेनिफिट। ये बात हमारे बिजनेसमैन भाइयों के लिए है, अच्छी बात, वीडियो को देख, हां उनके लिए। साथ के साथ गवर्नमेंट ने और एक चीज अच्छी की कि जो भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसकी शुरुआत घर से करेंगे, अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट ने मना किया था कि कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को भी अभी सारे डिपार्टमेंट को बोला कि सारी पुरानी गाड़ियों को बदल देनी है। कल निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बहुत क्लियर कट शब्दों में कही, तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो ऑटो सेक्टर हमारे डिक्लाइन चल रहा है, कम से कम गवर्नमेंट की भी व्हीकल आएंगी तो एक परचेजिंग है। उन्होंने कहा कि जो ये शुरुआत हम घर से करें, yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, yes, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सरकार खुद से लीड करने की कोशिश कर रही है अभी। तो देखिए कल का जो बजट था ये ओवरऑल यही था, हमने एक समराइज करने की कोशिश की, उसके पॉइंट को आइडेंटिफाई करके आपको बताने की कोशिश की कि इसका इम्पैक्ट क्या, और मुझे लगता है कि इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़े, बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन दिखेगा, ये एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ दिखेगा। आज की डेट में अगर आप सोचते हैं कि मंडे को कुछ होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मार्केट हो सकता है अपग्रेड हो जाए जो थोड़ा पॉजिटिव दिखाए, लेकिन ये अच्छी 5-6% भी ऊपर जाएगी, बट अभी जो स्लो डाउन है वो माइट भी, क्योंकि ये तो ग्लोबल है, आप देखिए चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है और उसके साथ के साथ हांगकांग में जो जिस तरह की परिस्थितियां, सोने का भाव, सर सोने का भाव एक इंडिकेटर होता है, अगर वो बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ग्लोबल चल रहा है, तो ये नहीं है कि हमारी इंडिया की ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन हमारी अपनी जो एक पॉपुलेशन है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हम किसी भी, डेफिनेटली सर वो विजन $5 trillion के लिए हमारे केवल पीएम नहीं, हम जैसे छोटे लोग भी, जो हम लोग चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें कंट्री के $5 trillion में अपना शेयर। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है, और आज हमने ये कोशिश की, अब हम इस तरह से भी आने की कोशिश कर रहे हैं टैक्स और वेल्थ में, कि अगर किसी तरह का पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं वो भी हम अपने यूजर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारे सोशल मीडिया चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर और भी अगर हमारे वीडियो देखना चाहे तो ऐप स्टोर पर टैक्स एंड वेल्थ के नाम से आप वहां भी देख सकते हैं, और फायर टीवी पे भी हम हैं, फायर टीवी के फाइनेंस सेक्शन में जाके आप हम ये सारे वीडियो आप वहां देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखें, थैंक यू।